नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2018 के बारे में एक जबरदस्त न्यूज़ आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन बनकर आएगा, इस बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिदिन अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे द्वारा अपलोड किए गए कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर ALP के लिए काफ़ी क्रैश कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, लगभग 16। जी हाँ दोस्तों, 16 क्रैश कोर्स अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें आपकी मैथ की वीडियो, जनरल साइंस की वीडियो और GS की वीडियो, हर तरीके की वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एक बार ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। देख लिए दोस्तों, आज की न्यूज़ है लखनऊ की, दूसरे नंबर पे पेज पे है, और 3 अगस्त की न्यूज़ है। जी हाँ दोस्तों, 3 अगस्त यानी कि आज की न्यूज़ है और दूसरे पेज नंबर पे है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप खुद जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है लेखपालों के 4000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी। थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये दोस्तों आपका लेखपाल के 4000 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजने की तैयारी। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा आयोग से मांगा प्रारूप। राजस्व विभाग में लेखपालों के 4000 रिक्त पदों पर भर्तियों के लिए राजस्व परिषद अधिचयन भेजने का तैयारी में जुटा है। राजस्व परिषद ने इसके लिए उप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अधियाचन का प्रारूप मुहैया कराने के लिए कहा है। राजस्व विभाग में लेखपालों के 30,837 पद सृजित हैं, इनमें से लगभग 4,000 पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश सरकार ने लेखपाल की भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद को सौंप दिया था, लेकिन योगी सरकार ने लेखपाल की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा है। शासन स्तर पर यह निर्णय होने के बाद लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्व परिषद की ओर से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाना है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अधियाचन का प्रारूप मांगा है, ताकि इसके आधार पर जिलों में लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा जा सके। लेखपाल की भर्ती मौजूदा नियमावली से ही कराने की योजना है। गौरतलब है कि बीते दिनों लेखपाल ने अपनी आठ सूत्री मांगों को, जो भी है दोस्तों आपकी जो 4000 लेखपालों की भर्ती है वो बहुत ही जल्द आने वाली है UP SSC के ज़रिए से। जी हाँ दोस्तों, UP SSC इस बार आपके लेखपाल की भर्ती को सृजित करेगा। पिछली बार राजस्व आयोग ने लिया था, लेकिन इस बार आपकी जो वैकेंसी आएगी वो UP SSC के थ्रू आएंगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे लेखपाल की भर्ती में, तो दोस्तों संभवतः आपका 1 महीने के अंदर लेखपाल की भर्ती आने ही वाली है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि आपके 4000 लेखपाल की भर्ती आने ही वाली है। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना स्टडीज़ रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।